नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, AICC, PCC सदस्यों, सभी फ्रंटल संगठनों विभागों की बैठक हुई। बैठक में दिनांक 19 नवंबर से चलाए जाने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम जय भारत महासंपर्क के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जय भारत महासंपर्क कार्यक्रम के प्रथम दिन कांग्रेस नेतागण जनपद के समस्त नगर पंचायतों में एक एक गाँव में प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देंगे और किसी एक परिवार के यहाँ स्नेह भोज करेंगे। मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद एवं ग्राम प्रधान BDC से मुलाकात करेंगे। साय 7 बजे से 8 बजे तक फेसबुक पर लाइव आकर गांव की प्रमुख समस्याओं पर बातचीत करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महासचिव प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर 278 नया पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा में 3 दिन का प्रवास है। प्रवास का उद्देश्य कांग्रेस के जो सम्मानित नेता हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग, अंतर संगठनों के लोग, प्रकोष्ठों के लोग और जो हमारे पूर्व विधायक हैं और भी जो ब्लॉकों के सम्मानित नेतागण, PCC सदस्य, ICC सदस्य, वो 8 बजे सुबह गांव में जाएंगे, सबसे जनसंपर्क करेंगे, सबसे संवाद करेंगे और सबको बताएंगे कांग्रेस आपके घर आई है, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। रास्ते सड़क की क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है या और भी जो समस्याएँ हैं, जो ग्रामीण समस्याएँ जो होती हैं, उन समस्याओं का मतलब एक संकलन करेंगे और संकलन करने के बाद दोपहर का विश्राम है, रात को रात्रि विश्राम है, रात्रि विश्राम से पहले 7 से 8 के बीच के फेसबुक लाइव आना है और फिर नेक्स्ट डे दूसरे दिन सुबह प्रभात फेरी निकालनी है। वहाँ के तमाम जो वर्कर्स हैं, जो ग्राम सभा में काम करते हैं, उनको सम्मानित करना है। फिर तीसरे दिन उस गाँव से वापस आना है। ये कार्यक्रम है कांग्रेस का, उस कार्यक्रम की तैयारी बैठक की गई, सबको निर्देशित किया है कि आप अपनी तैयारी ताकि 19, 20, 21 के कार्यक्रम को सफल बनाए।